हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। भाई चलिए आज हम बात करने वाले हैं यार एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बहुत 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 सारे चैप्टर हैं यार। सर डर लगता है, इतना सारा कंटेंट है और ऊपर से आप तो पढ़ाई जा रहे हो पढ़ाई जा रहे हो पढ़ाई जा रहे हो। हाँ पढ़ाई जा रहे हो पढ़ाई जा रहे हो। अब कल को मैं रिवाइज करने बैठूंगा तो इतना टाइम लगाऊंगा क्या, इतना सारा पढ़ूंगा क्या, इतना सारा कॉन्टेंट है JIGL के अंदर। ना 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 ना। देखो बेटा, JIGL के अंदर जब भी हम लोग रिवाइज करते हैं एम रखते हैं बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने का। और स्टूडेंट्स मेरे ऐसे बहुत सारे हैं जो ये काम करते भी हैं, जो ऐसे मार्क्स लाते भी हैं। अब अगर उनकी सुनूं तो उन्होंने ऐसा क्या किया जो आपको करना चाहिए, या उन्होंने ऐसी क्या मिस्टेक्स करी जो आपको नहीं करनी है। देखो आओ समझते हैं। सबसे पहली बात, JIGL जैसा जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं आपके पास सबसे, भाई अगर मैं अगर अपने तीन सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ CMSL ECIPL JIGL, तो बच्चों मेरे हिसाब से तो JIGL में बहुत कवरेज है। भाई आप पूरे तरीके से वहां पर कंपनी लॉ में सेंडिंग अप के अंदर चेकलिस्ट बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो। यहां क्या बनाओगे यार, यहां तो जबरदस्ती का डायग्राम बनेंगे। इसने ये कहा उसने वो कहा। कह रहा ओके यार। तो सर देखो, पहली बार जब भी आप पढ़ रहे हो तब आपको डिटेल्ड कवरेज से जाना है बच्चों, डिटेल्ड कवरेज से जाना है, मतलब पूरी डिटेल कवरेज से जाना है, सारी चीजों को कवर करना है। पर अगली बात, हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर कर सकते हैं कि हम लोग हैंड रिटन या हाइब्रिड नोट्स पे शिफ्ट हो सकते हैं। सर ये हैंड रिटन हाइब्रिड नोट्स हैं क्लासरूम में वैसे, पर जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, जो भी नोट्स आपने अपने हाथ से बनाए हैं उनको देखो बिल्कुल सही बनाए हैं, या अगर नहीं बनाए हैं तो जो डिटेल्ड बुक के अंदर आपने साइडों पर अपने प्रोविजंस को मार्क करा है मैं उनकी बात कर रहा हूं। अच्छा, जब टीचर आपको पढ़ाते हैं तो आप लिखते हो ना साइडों पर, कोई एग्जाम्पल लिख दिया, कभी कुछ लिख दिया, वो सब चीजें ठीक है। तो अब इसके साथ ही साथ खास तौर पे ये हैंड रिटन नोट्स आपको बड़े चैप्टर्स के लिए तो चाहिए ही चाहिए। भाई छोटे चैप्टर के लिए बेशक ना चाहिए हो, आप क्यों उड़ा दोगे छोटे छोटे चैप्टर, है ना। पर आपके पास इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए बेटा कि आपको बड़े चैप्टर्स को कवर करने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि मान लिया मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पहले भी पढ़ा है, पर फिर भी है तो बड़ा, कहीं ना कहीं ये चीजें टाइम लगाएंगी। तो इसलिए अपने सेल्फ रिवीजन नोट्स या रिवीजन नोट्स को रेडी रखना ठीक है। अब आता हूं आगे, अगली बात आती है प्रेजेंटेशन के ऊपर। अब आपने कवर कर लिया, सर रिवाइज कैसे करूं, अरे बता रहा हूं भाई बता रहा हूं, मैं कहीं जा रहा हूं क्या, मैं कहीं भाग के जा रहा हूं क्या, नहीं जा रहा हूं ना, रुक जाओ। तो बेटा अगली चीज, मेरी बात सुनो ध्यान से, अगला फंडा आता है प्रेजेंटेशन का। क्योंकि बच्चों के साथ क्या देखा गया है, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन में लिखा क्या है, वो बेचारा समझ ही नहीं पा रहा है ये पूछ क्या रहा है मुझसे। हैं ऐसा भी बहुत सारे बच्चों के साथ देखा गया है, ऐसा भी बहुत सारे बच्चों को देखा गया है, बहुत सारे बच्चों के साथ ये चीजें देखी गई हैं, दे आर अनेबल टू आइडेंटिफाई कि वो पूछ क्या रहा है यार। तो अब क्या करना होता है इसके लिए, वैसे तो मैं लेकर आ रहा हूं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन, पर फिर भी चीजों को समझो कि वो आंसर में क्या कहना, क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है यार, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को अपने पेन को नीचे रखेंगे और आराम से कम दो बार पढ़ेंगे। पहली बार पढ़ोगे कम समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे और समझ में आएगा, पर यह काम पेपर में नहीं कर सकता मैं। मान लिया 15 मिनट का रीडिंग टाइम है, पर वहां नहीं कर सकता, ना, पहले ही आदत डालेंगे। इसीलिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, क्योंकि पहला क्वेश्चन जब आपके पास केस स्टडी आएगा तो वो आते ही एकदम ऐसा धप्पा कर देगा आपको। हाँ, वो आते ही एकदम ऐसा झटका आपको देगा, आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है ना। तो कह रहे सर इसीलिए न्यू सिलेबस वाले खास तौर पर ध्यान कर रखना, और ओल्ड वालों आप भी इस चीज का ध्यान रखना। भाई बेटा पेपर में जो आपको जो आता है वो मतलब वो नहीं है, वो भी लिख के आ जाओ यार, खाली नहीं छोड़ के आना है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में हो, ध्यान रखो। तो सबसे पहली बात, आइडेंटिफिकेशन की क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना आंसर फ्रेम करना होता है, यस उसके अकॉर्डिंग मुझे अपना आंसर लिखना होता है। अब बेटा जैसे मैं यहां JIGL की बात कर रहा हूं, क्या यहां पर CMSL बताना शुरू कर दूं, नहीं ना, तो अकॉर्डिंगली वैसा ही करना पड़ता है ना हर जगह। कह रहे ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एग्जैक्ट सीक्वेंस पे, यानी कि जब आप रिवाइज करने बैठोगे बच्चों तो आपको रिवाइज कैसे करना है। देखो मैंने एक सिंपल सी अप्रोच को अपनाया है यहां पर, जिसे मैं कहता हूं ETF, यानी कि इजी टफ अप्रोच, ETF अप्रोच। हाँ, हम हमेशा से ही एक चैप्टर को डिफिकल्ट लेंगे और एक चैप्टर को ईजी लेंगे। जैसे मैंने बच्चों को देखा, एक चैप्टर को मैंने बड़ा ले लिया, एक चैप्टर को छोटा ले लिया। भाई मैंने एवरेज बनाया, रोज इतना 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 अगर करता चलूंगा तो आसानी से मैं 15 दिन मान के चल रहा हूं,
पर मैंने 11 दिन लिखे हैं, पर मैं 15 दिन मान के चल रहा हूं, 15 दिन के अंदर आसानी से रिविजन पूरी हो जाएगी। ठीक है, कह रहे सर अब एक और चीज का ध्यान रखो, रिविजन करते टाइम जब भी आप ये चीजें कर रहे हो तो बेटा आपके पास क्वेश्चन प्लस रिविजन नोट्स दोनों होने चाहिए, प्लस नोट्स दोनों के दोनों होने चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा ठीक है। अच्छा अब एक और फंडा, शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से हमारा बेस बना है। यहां पर ECIPL की तरह उल्टा नहीं चलना, क्योंकि यहां ऐसा कोई भी फंडा अप्लाई नहीं होता। देखो सोर्सेज ऑफ लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शुरू करना, फिर आ जाना इंटरप्रिटेशन पर, क्योंकि बच्चों को इंटरप्रिटेशन लगता है खतरनाक, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है मेरे यार, है ना। इंटरप्रिटेशन के साथ आसान चैप्टर डाल देंगे अपन टॉर्च वाला। उसके बाद हम चलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे, क्योंकि यहां तक जाते जाते कहीं ना कहीं हमारे को बेसिक लॉ की समझ अच्छी खासी आ चुकी होती है और अच्छी खासी कमांड भी बेसिक लॉ पर बन चुकी होती है कि लॉ है क्या। फिर उसके बाद और आगे चलेंगे, डॉक्ट्रीन्स को अच्छे से कवर करना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। फिर CPC पे जाएंगे, CRPC प्लस एविडेंस एक्ट पे जाएंगे। फिर स्पेसिफिक रिलीफ पे ध्यान देना, लिमिटेशन में कुछ खास मजेदार है नहीं, जैसे कि डॉक्ट्रीन ऑफ सफिशिएंट कॉज। अब उसके बाद हम लोग जाएंगे यहां पर, मैं मानता हूं कि ये चीज स्टैंप एक्ट कहीं ना कहीं टाइम लगाता है, और रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी आता है, तो सर ये तो टाइम लगाएगा, कोई बात नहीं, इसे 2 दिन डिवोट करना। पर जब भी पढ़ो इन चैप्टर्स को साथ में पढ़ना, ज्यादा रिलेटेबिलिटी आएगी और ज्यादा चीजों को आप कवर कर पाओगे। ठीक है, क्या सर इसके साथ ही साथ RTI एक्ट, IT एक्ट, यहां पर कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन दे देना खुद को, क्योंकि इतना जोर लगाया भाई RTI एक्ट तो बच्चा आसानी से निपटा सकता है, है ना। उसके बाद IT एक्ट के साथ भी ऐसा ही है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो खासकर पूछे जा रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बार 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 आ जाता है, लाइबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरी, ये भी आ जाता है अकॉर्डिंगली। फिर हम आते हैं आसान चैप्टर्स पर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट। फिर से 2 दिन यहां पर भी लग जाएंगे और 2 दिन लगता है मुझे यहां भी लग जाएंगे, और आखिरी दिन NIA पूरा करोगे तो 15 डेज के अंदर अच्छी खासी रिविजन हो जाएगी। पर ध्यान क्या रखना है सर, ध्यान ये रखना है कि आपको साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं बेटा, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना। अगर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं किया तो आपके साथ सिर्फ ऐसा हो जाएगा कि आपने क्रिकेट देखी तो है टीवी पर खेलनी नहीं आती भाई, गाड़ी तो चला लेते हो पर वीडियो गेम में चला लेते हो, असलियत में नहीं आती, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला अगर आप क्वेश्चंस को साथ में प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप ये छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हो यार कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बेटा जब तक मुझे पता नहीं होगा लिखना कैसे, तो कराओ ना, क्यों नहीं करा रहे, आ रहा हूं बहुत जल्दी दोबारा से आगे बताऊंगा कि आंसर लिखना कैसे है, सही तरीका क्या है आंसर लिखने का। आपसे कोई कुछ भी बात करता है, आप सही तरीके से जवाब देते हो ना, मैंने अगर यहां पे कोई क्वेश्चन पूछा तो बच्चे कमेंट करते हैं ना कि हाँ हमें ये बता दो, हमें वो बता दो, अकॉर्डिंगली ठीक उसी तरीके से अपन ये काम भी करेंगे। यार ठीक है सर, तो ये सीक्वेंस है बेटा, अगर आप लोग यहां पर कुछ पॉज लेना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लो लिया, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। फिर भी अगर आपके पास JIGL को लेकर कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे बता सकते हो, यू कैन मेंशन द सेम इन कमेंट्स, बच्चों मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। ओके ठीक है, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, मुझे बताइएगा अगर इसके अलावा भी कुछ और मदद चाहिए तो, आई विल कम अगेन, फिर से आऊंगा, फिर से बात करूंगा, और आपकी बार JIGL पार होगा, मतलब पार होगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एट CS वाला फॉर ऑल सच काइंड ऑफ अमेजिंग एंड ऑल द टाइप्स ऑफ वीडियोस, इंफॉर्मेशनल कंटेंट हो चाहे मोटिवेशनल, मिलेगा कहां, यही यही, तो बाय बाय।